Let's स्टार्ट with case स्टडी 3 नाउ सो it says many ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ lenses. मतलब कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपको पता है माइक्रोस्कोप हो गया या टेलिस्कोप हो गया उसके अंदर एक लेंस ना लग के काफ़ी ज़्यादा लेंसेज लगाए जाते हैं क्यों क्योंकि मैग्नीफिकेशन इंक्रीज हो जाता है शार्पनेस इंक्रीज हो जाती है हमारे इमेज की और उन्होंने हमें क्या बोला है कि हमारा नेट पावर जो होता है मतलब कि अगर आपको उसका टोटल पावर निकालना है उस इंस्ट्रूमेंट का सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ सारी पावर्स को ऐड कर दोगे ठीक है सम होता है वो सबका अब यहाँ पे देखो इसी के बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे बताए गए हैं और हमें आंसर करने हैं सो लेट्स सी फर्स्ट वाला देखो स्टूडेंट यूजेस टू कॉनकेव लेंस ऑफ पावर टू डी ईच वट विल बी द नेट पावर ऑफ देअर कॉम्बिनेशन तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है टू डाएफ्टर ईच और कौन से लेंस की बात करी जा रही है कॉनकेव लेंस की बात करी जा रही है और कॉनकेव लेंस हमारा क्या होता है नेगेटिव पावर होती है हमेशा ध्यान रखना है इस चीज़ का नेगेटिव पावर होती है सो so, अगर पावर नेगेटिव है क्योंकि फोकल लेंथ ना नेगेटिव होती है इस केस की इस वजह से पावर भी नेगेटिव होगी तो हमारे पास क्या हो गया माइनस टू डी और माइनस टू डी क्योंकि हमें दोनों को ऐड करना है तो ऐड करोगे तो क्या आएगा माइनस फोर डायप्टर और ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आपको यही लग रहा होगा बट यू विल राइट फोर डायप्टर फॉर दिस वन नेक्स्ट देखो स्टूडेंट यूजेस अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर टू डी एंड अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर फाइव डी क्या कर रहे हैं कन केव लेंस यूज कर रहे हैं कितने पावर का टू डायप्टर का और दूसरा कन्वेक्स लेंस यूज किया जा रहा है जिसकी पॉजिटिव पावर होती है तो ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा ये नेगेटिव में आएगा तो दोनों को अगर आप एड करोगे तो आपका आंसर टोटल क्या आएगा इट विल बी थ्री डी ठीक है थ्री डायप्टर इज़ आंसर टू इट ये ए ऑप्शन हो गया यहाँ पे हमारा ठीक है नेक्स्ट देखो इफ़ द पावर ऑफ अ लेंस इज माइनस टू डी क्या दिया हुआ है पावर कैसी है नेगेटिव में है और अगर नेगेटिव में होती है ना पावर तो इसका मतलब अभी मैंने आपको बताया था कौन सी लेंस है कॉनकेव लेंस सो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बी नेक्स्ट देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका केस स्टडी का आपको दिया हुआ है लेंस हैज़ पावर ऑफ प्लस 1.5 पॉइंट फाइव डायप्ट इट्स फोकल लेंथ विल बी तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है वन ओवर एफ रेसिप्रोकल होता है एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी वन ओवर पी एफ़ की वैल्यू विल भी वन ओवर वन पॉइंट फाइव और अगर डेसिमल हटाओगे जीरो आ जाएगा और यहाँ पे टू और नीचे थ्री टू बाय थ्री इज़ द राइट आंसर फॉर दिस विच इज़ ऑप्शन नंबर बी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अटे